कर्नाटक के जिले यादगिरि के वक्फ बोर्ड ऑफिसर अली मुद्दीन ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए इमाम व मौजनों से अपील की है कि वो अपने बैंक पास बुक दफ्तर वक्फ बोर्ड में जमा करवाएं। मैं यादगिरि डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर हूँ, जो यादगिरि डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक स्टेट बोर्ड वक्फ से क्या है, तो इमाम मौजन एंड पेशमाम के आधार कार्ड और पासबुक को डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में सबमिट करने के वास्ते निर्देशन आया है। इसलिए क्या है, यादगिरि डिस्ट्रिक्ट के जो भी पेशमाम और मौजन हैं, पूरे अपने बैंक पासबुक और आधार कार्ड को जल्द से जल्द 3 दिन के अंदर जिला वक्फ ऑफिस को लाकर सबमिट करें। और यादगिरि डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे क्या है अनरजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, मस्जिद, दरगाह, आशुखाना, ये सब पूरे वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन के होने के बाद इस इदारों का सिक्योरिटी होता है और क्या है कर्नाटक स्टेट बोर्ड से ग्रांट्स भी आता है। रॉयलसीमा आईजी अकबाल ने कड़पा के उर्दू स्कूल्स का दौरा किया है और तलबा में तहाइफ तकसीम किया है। इस सिलसिले में इन्होंने हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सरदार से भी बात की है। आज शेर कड़पा के दौरे पर रॉयलसीमा आईजी इकबाल साहब हमारे साथ में हैं। आए आज सुबह से वो कड़पे शेर कड़पा के दौरे पर हैं, आए उनसे बात करते हैं। सर, खास तौर से स्कूल को दूसरी मरतबा दौरा करें, इसकी खास वजह? देखिए, ये स्कूल भी सिर्फ एक स्कूल ही नहीं, हम रॉयलसीमा में जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जिला परिषद हैं, म्यूनसिपल स्कूल्स हैं, उस पर तवज्जो दे रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि 1.5 महीने में यहाँ का रुख बदल गया, पूरा पेंटिंग हुआ है, 10 कंप्यूटर डोनर्स दिए हैं और सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अली साहब यहाँ उनके माँ बाप के याददाश्त में यहाँ सीसी कैमरा दिए हैं और पानी का इंतज़ाम करे हैं। ऐसा करने से, बच्चों पे तवज्जो देने से, ये चल कर के तंदुरुस्त बनेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, ये मुल्क आबाद रहेगा, ये मुल्क की तरक्की के लिए ये लोग भी, जैसा कि हम गवर्नमेंट स्कूल से आए हैं। सर, ख़ास तौर से आज जो